आखिर परशुराम और विश्वामित्र में से कौन से महर्षि थे सबसे शक्तिशाली? दोनों का अगर युद्ध होता तो आखिर किसकी जीत होती? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय परशुराम जय विश्वामित्र अवश्य लिखिएगा। तो आखिर परशुराम जी और विश्वामित्र दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है? आज हम इन दोनों महर्षियों की तुलना तीन श्रेणियों में बांटकर करेंगे। तो पहला है वरदान की शक्ति। महर्षि जगदम्नि और रेणुका के सबसे छोटे पुत्र गुरु परशुराम जी सबसे कुशल और निपुण योद्धा थे। परशुराम जी महादेव के परम भक्त थे। श्रीराम जी को महादेव से कल्प युग तक चिरंजीवी होने का वरदान भी स्वयं भगवान शिव ने ही दिया और परशुराम जी के होने का प्रमाण सतयुग त्रेता युग और द्वापर युग में भी मिलता है। और इसके अलावा परशुराम जी को अपने पिताजी से प्रत्येक युद्ध को जीतने के विजय प्राप्त करने का वरदान भी मिला हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर हम महर्षि विश्वामित्र के बारे में बात करें तो महर्षि विश्वामित्र महाराज गाधी के पुत्र थे और रिश्ते में स्वयं भगवान परशुराम के पिता महर्षि जगदम्नि के मामा भी थे। महर्षि विश्वामित्र का वास्तविक नाम महाराज कौशिक था। विश्वामित्र जी ने कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से इच्छा अनुसार विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त किया। बाद में ब्राह्मण की योग शक्ति का आभास होने पर विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्म ऋषि का पद पाया और ओम का ज्ञान हासिल किया। कहते हैं महर्षि विश्वामित्र ने ही स्वयं भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी को धनुर्विद्या और अन्य दिव्य अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान भी प्रदान किया था। अब बात करते हैं दूसरे श्रेणी की, यानी कि अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान। महर्षि परशुराम जी के अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञान को दर्शाया जाए तो उनकी आरंभिक शिक्षा खुद महर्षि विश्वामित्र और ऋषि के आश्रम में हुई, जहां परशुराम जी को महर्षि कश्यप से शारंग नाम के दिव्य धनुष, वैष्णव धनुष और ब्रह्म ऋषि कश्यप से अविनाशी वैष्णव मंत्र मिला था और महादेव की कठिन और घोर तपस्या के बल पर विद्यवधु नामक एक पशु प्राप्त किया। इनके अलावा परशुराम जी को त्रिलोक के विजय कवच, स्तंभराज, स्त्रोत मंत्र और कलतरु भी प्राप्त हुए थे। परशुराम जी ने ही द्वापर युग में भीष्म पितामह, कौरवों और पांडवों के गुरु महर्षि द्रोणाचार्य और कर्ण को भी शिक्षा दी थी और उनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र, पशुपतास्त्र सहित कई सारे देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र और महादेव का विजय धनुष कमान भी मौजूद था। वहीं अगर विश्वामित्र जी के बारे में बात की जाए तो रामायण के अनुसार भगवान श्री राम को अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञान के साथ उनके सभी दिव्यास्त्र भी स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने ही प्रदान किए थे। महर्षि विश्वामित्र जी को दंत चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, इंद्र चक्र, वज्रास्त्र, शिव जी का शूल, ब्रह्मशीर अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, मोदकी और शिखर नाम की गदाएं, नारायण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वाव्य अस्त्र, क्रौंच अस्त्र, मादना अस्त्र, गंधार्व अस्त्र, मानवास्त्र, पिशाच अस्त्र, तामस अस्त्र और अद्वितीय सोमनास्त्र सहित ब्रह्मांड के सभी अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था। कहते हैं विश्वामित्र जी के पास संपूर्ण ज्ञान का स्रोत मौजूद था जिसके चलते उनके पास सभी दिव्यास्त्र मौजूद थे। कि आखिर दिव्यास्त्रों की इस लड़ाई में आखिर किसकी जीत होती? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब अवश्य लिखिएगा। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी श्रेणी, यानी कि युद्धों में भागीदारी। एक बार परशुराम जी कैलाश पर्वत पर महादेव के दर्शन करने गए तो गणेश जी ने उन्हें महादेव के दर्शन करने से रोक लिया, जिससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। इसके अलावा परशुराम जी ने एक बार महादेव के साथ भी युद्ध लड़ा जिसमें परशुराम जी की जीत हुई थी और इससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें परशु भेंट किया था। परशुराम जी ने अपने ही शिष्य भीष्म पितामह के साथ भी युद्ध लड़ा था, लेकिन 23 दिनों तक घमासान युद्ध के बाद भी परशुराम जी भीष्म पितामह को उनकी इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से हरा नहीं पाए। वही ऋषि विश्वामित्र की बात की जाए तो ऋषि विश्वामित्र ने महाराज कौशिक के रूप में गुरु वशिष्ठ से युद्ध किया था। विश्वामित्र जी का जन्म भले ही क्षत्रिय कुल में हुआ हो लेकिन वह ब्राह्मण गुणों से परिपूर्ण थे, इसीलिए उनके द्वारा किसी भी और युद्ध का कोई भी विवरण महाकाव्य में नहीं दिया गया है। तो यदि इन दोनों योद्धाओं की शक्तियों को देखा जाए तो इनके बीच युद्ध की कोई परिस्थिति आती ही नहीं है, क्योंकि स्वयं परशुराम जी के गुरु कोई और नहीं बल्कि विश्वामित्र जी ही थे। दोनों ही एक दूसरे को भली भांति जानते थे। ऋषि विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी के शिष्य थे तो वहीं गुरु परशुराम जी महादेव के शिष्य थे और दोनों ही धर्म के पद पर अग्रसर थे। और यदि इन दोनों के बीच अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती तो शायद इस ब्रह्मांड का अंत तय था।
आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए इन दोनों में से अधिक शक्तिशाली आपकी नजरों में कौन है। और अगर ज्ञान से भरी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।